बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जायो धन बरसायो धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। से जो विदा हो रहे हैं लेकिन हमारे दिलों से विदा नहीं हो रहे हैं। तो इनके घर भी आज प्रोग्राम है तो इन्होंने द्रोणा जो है वो पहुँचना है तो हम प्रोग्राम को जो छोटा सा छोटा कोशिश है हमारी। तो कल्याण जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो है वो कि 2008 के अंदर जो है वो ये जेल बने और उसके बाद 2010 में SLA के पद पे जो है वो नियुक्त हुए और मैक्सिमम जो इनका टाइम है वो
आज पूरी जो सरकारी जो है वो सेवाएं जो है वो का विस्तार करते हुए बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सौभाग्य वाली है कि आपने इतनी लंबी सर्विस जो 30-35 साल के आसपास जो है सर्विस जो है बड़ी अच्छी सर्विस जो है उसको कम्प्लीट करके जो है वो राज्य विद्यालय से जो है वो विदा हो रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी आगे की जो जिंदगी है, आपका स्वास्थ्य जो है वो खुश रहे और आगे भी आप अपने जो पारिवारिक जीवन है उसमें जो है वो सफल रहे और आपकी जो है दीर्घायु रहे और स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया से स्वास्थ्य लाभ जो है वो पाए। तो इसी के साथ जो है वो मैं अपना वक्तव्य जो है छोटा करते हुए मैं जो सबसे पहले विभाग प्रमुख है उन्हीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं सुनील जी से आग्रह करूँगा कि वो अपने विचार विद्यार्थियों के बारे में बधाई आपको और आपके परिवार को देना चाहता हूँ शुभकामनाएं बहुत बहुत। जो सक्सेसफुली आपने अपना कार्यकाल पूरा किया है, जैसा मनीष सर ने कहा कि इनका अधिकतर समय जो है वो केमिस्ट्री विभाग में इन्होंने बिताया है, अपनी सेवाएं ली है, सारा जिम्मा इन्होंने केमिस्ट्री विभाग का संभाला हुआ था। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था 2019 में, ये वैसे मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसे कि आपका अपने एक स्कूल चलाते हैं सर, तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप और समय अपने परिवार को दे पाएंगे और ज़्यादा समय अपने स्कूल पर और बिता पाएंगे। और मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आपके स्कूल आपके अध्यक्षता में जो है साथ में खड़े होते हैं। कि जैसे कोई भी आपका सरकारी कर्मचारी है तो उसका जो सबसे बढ़िया मेरे को चीज लगी उसके अंदर फाइनेंशियल कि जो बहुत चिर आदमी मेंटेन करता है वो जिसको आ जाए वो काफी उसके अंदर जो है ये आपकी खासियत रहती है। तो इनकी भी ये खास बात थी कि ये जब भी मेरे पास जो वाउचर वगैरह जो है वो लेके आते तो पूरा कंप्लीट करके जो है वो लाते थे। जैसे कि कोई सिलेंडर वगैरह लेना है केमिस्ट्री के लिए तो वो वाउचर पढ़ के कोई आदमी देख लेता है कि ये सिलेंडर जो है वो इस गैस एजेंसी से चला होगा पूरा पूरा यहाँ पे इस ठिकाने पर यहाँ पे कॉलेज पर जो है वो पहुँचा हो। तो बड़ी दक्षता और बड़ी कुशलता के साथ जो है वो इन्होंने अपने कार्य का जो है निष्पादन किया और पूरे जो हमारा राजकीय महाविद्यालय जो है वो कॉलेज इसके इसको जो है वो आपकी सेवाओं से जो है वो काफ़ी जो है वो आपको बेनिफिट जो है वो रहा है और जो आपके अनुज हैं उनको भी जो है वो आपसे सीखने का जो मौका मिला। तो मैं आगे बढ़ते हुए आपके काफ़ी सारे कुलीग्स जो है वो अभी रिटायर हो गए हैं, लगभग आप कनेक्टिंग लिंक है जो नई पीढ़ी है, काफ़ी सारे नए चेहरे हैं उसके बीच में आप एक कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो मैं अब गुजारिश करूँगा जो परविंदर सर हैं आपने काफ़ी लंबे समय तक जो है इनके साथ कार्य किया तो इनके बारे में जो है बहुत अवसर था और हमें मौका दिया। कल्याण जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो बड़े काम और कूल नेचर के ये एक कार्यक्रम किया है इन्होंने। बड़ा काम बोलते हैं लेकिन अपने काम में इनकी मास्टरी रही है। ज़्यादातर जैसे फाइनेंस की वोचर की बात कर रहे थे या कोई और सुनील जी ने इनके जो है वर्किंग के बारे में बात की, तो मैं तो इतिहास विभाग से हूँ, ज़्यादातर इनकी जो लेबोरेटरीज में इनकी जो है सर्विसेज रहती थी। लेकिन फिर उसके बावजूद भी एक और बार स्पेशली जो है बड़े भाई मेरे पास जो ज़रूर आएंगे, चाहे बाहर से निकलेंगे कमरे से चाहे
कहीं से ही मिलेंगे, एक बार हमारी मुलाकात जरूर होगी, चाहे वो हाय हेलो से ही हो। तो एक एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लगाव जो है इनके साथ रहा है, इनका मेरे साथ रहा है, क्योंकि लंबा समय मुझे लगता है 20 साल से ऊपर ये करते हैं। और कई बार कई चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है, एक बार बाई चांस वो सीटों का, एक यूनिवर्सिटी की सीट्स मेरे पास बाई चांस के, हालांकि मुझे भी बड़ा टाइम हो गया जॉब में, तो मैंने जाकर पूछा, मैंने कहा अभी ये यूज़ तो हो गई है क्योंकि मैंने बांट दी, और अब क्या करेंगे। तो बोला बोली कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्ड रखिए, इनको संभाल के रखिए, कोई बात नहीं, अगर मैंने करना है तो मैं अपनी उसमें एंट्री कर देता हूँ केमिस्ट्री में। तो इस तरह से कहने का मेरा अभिप्राय है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या इनके पास लेकर जाए तो जितना समझ से बढ़कर जो है ये सब लोगों का साथ देते थे। स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा अच्छा तालमेल इनका रहा, जो इनके डिपार्टमेंट में रहे हैं, विभिन्न विभिन्न अलग अलग जो है वो लैब में ये रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से साथ रहे हैं। तो जिसको कहेंगे कि परफेक्ट पर्सनैलिटी, काम पर्सनैलिटी, अपने काम की तरफ जो है, काम से ज़्यादा की तरफ ही ज़्यादा इनका ध्यान रहता था। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के लोग जो है वो आजकल जो है वो कम मिलते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि इतनी सिंसियरिटी से काम करने वाले लोग जो हैं इंस्टीट्यूशन का एक जिसको कहेंगे कि आधार होते हैं। तो इनके जाने से हमें दुख तो है, इनकी कमी हमेशा हमें खलेगी, लेकिन फिर भी एक ये दस्तूर है कि ये ऐसा समय होता है जिसमें एक तो रिटायरमेंट की खुशी भी होती है, दूसरा बिछड़ने वाले को दुख भी होता है। तो ये एक मंगलमय विषय की कामना करता हूँ, आने वाला समय इनके लिए सुखद रहे, और अपना समय अब ये अपने समाज को, अपने परिवार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, क्योंकि अब यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर जो है वो उन लोगों को भी अपनी पर्सनैलिटी से लाभान्वित करें ये लोग। और एक बार फिर से मैं जो है इनको पूरे परिवार को जो है बधाई देता हूं, और इनके सुख भविष्य की कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू। वो आपकी वैसे काफ़ी जरूरत है, लेकिन आपका जो फैमिली का टाइम है वो भी ज़रूरी है, और बड़ी खुशी की सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर सलारिया जी से कि कल्याण जी के बारे में थोड़ा बहुत विचार रखें। जो हमारा वक्त रहा वो 98 ऑनवर्ड, 98 से लेकर आज तक करीब करीब 24-25 साल हमारा साथ रहा है। हालांकि मैं सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो ये लैब्स में रहे हमेशा, पर लैब्स में होने के बावजूद भी जिन जिन कमेटीज़ में इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, चाहे वो कोई फंक्शन के लिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी थी, चाहे किसी भी दायित्व को जब भी इनको दिया गया काम करने के लिए, तो इन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक मझे हुए, जैसे मेरे बड़े भाई प्रवीण जी ने कहा, एक मझे हुए कर्मचारी के रूप में इन्होंने महाविद्यालय की सेवा की। और जो खास करके उस परिस्थिति विशेष में जब कोई खास प्रकार की कमेटी बनी, उसमें जो इनका रोल रहा, भूमिका रही, वो अत्यंत सराहनीय रही। और एक ह्यूमन बीइंग के नाते करने की कोशिश करें तो एक ह्यूमन बीइंग के नाते इन्हें एक हमेशा आदरपूर्वक नज़रों से, हम लोग ही नहीं पूरा महाविद्यालय परिवार, बच्चे हमें कहा था कि भाई साहब मैं ना एक स्कूल भी चलाता हूँ, तो मुझे बड़ी सुन के बड़ी ताज्जुब जैसा हुआ, बड़ी हैरानी हुई, और मैं अपने साथियों बोलने लगा कि देखो हम लोग शिक्षक हैं, हम वो नहीं कर पाए जो उन्होंने कर दिखाया। तो शायद ये इनका अलग से काम करने का नज़रिया, अलग से काम करने का तरीका, और अलग से समाज सेवा करने का जो जरिया है, गरोला जैसी जगह पे, गरोला जैसी जगह जो कि जब इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था उसी ड्यूरेशन में उसका एक अपना एक मैच्योर रूप जो है वो ले चुका है, और आज अब इसके बाद का जो समय है, और उस खास करके उस इलाके विशेष के लिए जो इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो एक नया एक विकल्प जो दिया है बच्चों को, वो अत्यंत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अब बचा हुआ समय वो वहाँ जरूर देंगे, और वहाँ अपने इलाके की मुझे जो मन में कुछ बातें आ रही है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो इतने भाग्यशाली हैं कि आज वर्किंग डे में रिटायर हो रहे हैं,
पूरा कॉलेज इनकी रिटायरमेंट को देख रहा है और सभी टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और दूसरी बात मेरे को एक अच्छी लग रही है, जो मैं जोड़ी आज देख रहा हूँ अपने सामने, कि उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होगा, जो इतने वर्षों की सर्विस इन्होंने इतने साल दी है इस कॉलेज में। और मैं बधाई देता हूँ उनकी पत्नी को, जो उनके साथ इतने वर्षों से योगदान दे रहे हैं। और मैं उनकी रिटायर्ड लाइफ में शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार अगला जीवन भी अपना व्यतीत करें। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपने जो पूरी जो इनकी जॉब का पीरियड रहा बहुत ही अच्छे से, जितना मैंने इनके साथ ऑब्जर्व किया मुझे लगता है कि 13 या 12-13 साल इतने साल मैंने इनके साथ काम किया है, तो बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर इन्होंने रखा है। वैसे तो ये केमिस्ट्री में रहेंगे, पर जब भी हमें कभी कुछ भी ज़रूरत होती थी, किसी केमिकल की ज़रूरत होती थी, ग्लासवेयर की होती थी, हम जल्दी से बच्चों को भेज देते थे कि जाओ आप कल्याण सर के पास जाओ और लेकर, उन्होंने कभी मना नहीं किया, इंस्टेंटली भेज देते थे कुछ भी सामान। और बाकी कभी भी मिलना बहुत ही अच्छे से इनकी डीलिंग रही है, बड़े प्यार से इन्होंने अपना करा है, पूरे लगन से ईमानदारी से इन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो इनके सुखद भविष्य के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं, अच्छा स्वस्थ रहे, भगवान इनको दीर्घायु करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सब मैं की टाइमिंग पे सुबह आई देता हूँ, इनका जो भविष्य जो अच्छा रहे, वो चल रहा है इनका, मैंने भी इनके साथ अच्छा हम लोग किए हैं, उन्होंने सिखाया है। नाता रहा है तो ये आपको मैं बता दूं, आपकी असली तारीफ वही होती है पर्सन की जो उसकी पीठ के पीछे होती है। मेरे विभाग में क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डील करती हूं, तो प्रैक्टिकल से काफ़ी काम होता है, तो जैसे कि सुनील सर ने बताया और पहले जितेंद्र सर थे तो मेरे विभाग में वो आते रहते थे, तो मैं कुछ काम कर रही थी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, बहुत सारा काम डाला, तो मुझे बोलते मैडम ये क्या कर रहे हो, स्टॉक ये वो, मेरा सर प्रैक्टिकल है तो सारा मेंटेन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, बोला हमें तो कोई काम का पता ही नहीं है, सारा काम तो कल्याण जी करते हैं, तो हमें आज तक नॉलेज ही नहीं है सब काम की जो आप ये सब कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रैक्टिकल के लिए जो परचेजिंग जो भी काम होता है। तो ऐसा उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया था जितेंद्र जी ने भी और सुनील सर ने, बोला कि हमें तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी हम बेफिक्र हैं, क्योंकि कल्याण जी ने इतना अच्छे से संभाला हुआ है हमारा विभाग कि हमें किसी चीज़ को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ऐसा आपके बारे में मुझे बताया जी, उनकी उनके साथ आए हमारे स्टाफ के डॉक्टर विजयनाम जी, प्रोफेसर कविंदर जी, डॉक्टर मुनीष जी और बाकी कलीग्स, आज इस मौके पे हम जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का जो एक फंक्शन है उसमें उसके लिए जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पे मैं कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कई जैसे उनकी बेटी, दो बेटियों ने मेरे ख्याल BSc किया बेटा, BSc यहाँ से करके मास्टर डिग्री करके अभी वो प्रेजेंटली PhD कर रही है। तो बच्चों का एजुकेशन, बच्चों को जो एजुकेशन किस तरह से इन्होंने यहाँ पे कॉलेज सर्विस में रहते हुए अपनी ड्यूटी के साथ जो है बच्चों का कहाँ से कहाँ तक जो है वो, हम लोग भी बच्चों के पीछे बच्चों की एजुकेशन के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बच्चों को एक सही एजुकेशन देके अच्छी लाइन पे डाल दिया है। और दूसरी बात के बाद क्या किया जाए, प्लानिंग जो थी वो मेरी भी चल रही थी, तो देखो हम लोग अभी हमने प्लान भी नहीं किया, हमने सोचा भी नहीं है, लेकिन उन्हें कर दिखाया। ये बात जो है ये विजन इनका जो इनकी सोच या जो इनका एक वो बताता है कि किस तरह से ये फ्यूचर को जो है वो प्लान करके चलते हैं।
तो अब रिटायरमेंट के बाद जो कल्याण जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है, बहुत लंबा अनुभव कल्याण जी के साथ रहा है, चाहे वो रसायन विभाग में थे, चाहे वो किसी अन्य विभाग में थे, एक सीनियर लेक्चर असिस्टेंट के साथ साथ अपने कार्य अनुभव के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है। बहुत अच्छे सामाजिकता जो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है वो मैंने इनमें बहुत करीब से देखी है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं लगभग 35, मुझे बताया गया कि मुझे याद है जब ML शर्मा जी यहाँ पर थे प्रिंसिपल, उस समय ये बिल वॉचर का साफ-साफ देखते थे, उस तरह ट्रांसफर नहीं होते थे और कल्याण जी जो थे वो ट्रेजरी में जाते थे और सबकी सैलरी लाते थे और काफी बैंक वर्कर लाते थे और पैसे बांटते थे। इस कारण इनका नाम कुबेर रखा था। तो कहते कुबेर जी कहाँ है कुबेर जी। एक बार मैं जा रहा था तो सुरेश शर्मा जी थे म्यूजिक के, उन्होंने कहा कि कुबेर जी कहाँ है, मैं कौन कुबेर जी, उन्होंने कुबेर को ढूंढना है मैंने, उन्होंने कहा कि कल्याण जी उनको कुबेर के नाम से जानते हैं। तो ये वास्तव में कुबेर है और ना सिर्फ ये कुबेर थे परंतु इनका दिल भी एक कुबेर की भांति इनका दिल है, बहुत ही सामाजिक है। और मैंने जैसे कहा कि ये एक जिस मंजिल जिस रास्ते पर जिस सड़क पर चले हैं लगातार 35 वर्षों से जिस सड़क पर चले जा रहे थे वो सड़क जो है हम चाचू के साथ ही थे। थोड़ा हम सब इमोशनल हो रखे आज क्योंकि चाचू शुरू से ही एजुकेशन से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमें हमेशा सीख दी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हम उलासा में रहा करते थे। मैं और मेरी सिस्टर थे, हम जुड़वा हैं दोनों, तो उस टाइम वहाँ इतने एजुकेशन के सोर्सेज नहीं थे भरमौर में, तो चाचू हर सैटरडे और संडे आते हैं तो कभी वो बुक्स लाते थे, कभी ज्योमेट्री बुक्स, कभी कुछ और सामान जो हमारे एजुकेशन से जुड़ा होता था। तो जो मेरे बचपन का जितने भी जो जब हमारा बेस तैयार होता है हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि हम सारी कजन्स मिला के तो एक परिवार के लिए इतनी सारी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और इतनी अच्छी ना समझ के लड़कों की जरा तरह ट्रीट किया। थैंक यू चाचू एंड चाची, थैंक यू सब बचपन की मेमोरीज के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड प्रोफेसर सर, मेरे नॉन टीचिंग और टीचिंग आपके साथियों, भाई फैमिली के सभी सदस्य, मैं आप सबका इस खुशी के मौके पर धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने यहाँ आकर मुझे उस दौरान मेरी तारीफों के बहुत फूल बांधे हैं, मैं सबका धन्यवाद हार्दिक धन्यवादी हूँ। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये आप सब लोगों से सीखा हुआ कर रहे। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था 17-18 साल की नौकरी पर, वहाँ भी अध्यापक लोग मेरे साथी थे, उनसे ही मैंने प्रेरणा ली है और उससे भी बढ़कर लगभग कोई 15-16 साल आप लोगों के बीच में रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है। और जो मैं आज कर पा रहा हूँ वो आप सब लोगों की मतलब देन समझो या सब कुछ आपसे सीखा और वो मैं आज प्रैक्टिकली ग्राउंड में कर रहा हूँ। बाकी इस महाविद्यालय को छोड़ने को तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें सर जी, इनके साथ हम चुवाड़ी दे रहे हैं। अविनाश तुमसे तो मैं स्कूल के जितने भी कार्यक्रम वगैरह होता था उनकी वो किसी दिन बनाता था, सर मेरा फंक्शन है तो आप किसी दिन बना दो। तो ये बेचारे अभी भी करते रहते हैं फोन पर, वो जैसे भी हो, तो जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में रह कर पा रहा हूँ और आप सबका मैं बहुत बहुत
धन्यवाद दी और खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे इतना मतलब नौकरी की सेवा करने का मौका मिला। और ये मेरी स्टाफ मेंबर जैसे हंडा जी, सुरेखा जी, हमारे कमल जी, बहुत कुछ सीखा है। इस इतना मान सम्मान मुझे आप लोगों ने दिया है, मैं इसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, है ना। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे मेरी गुजारिश है कि आज लगभग कोई मतलब बस यहाँ से जाते हैं, लंच तैयार है घर में, तो लंच के लिए जरूर है ना चलें साथ। धन्यवाद सर। इधर देखो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेली।
Thank you.
ओई बलो चंबे टकिया चढ़ दी जो मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकिया चढ़ दी जो ओ चंबे टकिया चढ़ दी जो 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 मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकिया चढ़ दी जो ओ छोटा देवर ओ छोटा देवर बड़ा टुट पैना बलो भाई पर आई है लड़ी पया छोटा देवर बड़ा टुट पैना बलो भाई पर आई है लड़ी पया ओ भाई पर आई है लड़ी पया 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 मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो छोटी नंद ओ छोटी नंद ते वड्डी पर जाई बलो पानिया च गईया दो जनिया छोटी नंद ते वड्डी पर जाई बलो पानिया च गईया दो जनिया 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 मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो मेरे हाथां च ओ मेरे हाथां च छाले पए बलो चंबे ताना कुट दी जो मेरे हाथां च छाले पए बलो चंबे ताना कुट दी जो ओ चंबे ताना कुट दी जो 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 मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
कहना शिकागो